हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में टिड्डी दल के हमले के बाद हरियाणा में भी टिड्डी दलों के हमले का डर अब सताने लगा है। प्रशासन का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तैयारी के नाम पर प्रशासन ने जो भी कुछ गिनवाया उसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या इस तरीके से टिड्डी दल के हमले से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट में आप देखिए, पाकिस्तान से चला टिड्डी दल राजस्थान में तबाही मचाने के बाद अब किसी भी वक्त हरियाणा में भी हमला कर सकता है, जिसके चलते राजस्थान से सटे हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने यहाँ हरियाणा ही नहीं कई राज्यों में किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। टिड्डी दल ऐसा जीव है जो यहाँ दिखने वाली घास या चरी या कोई भी फसल हो उसको 24 घंटे में तबाह कर देता है। जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कृषि डायरेक्टर राजेश तिहार ने बताया कि टिड्डी दल हवा के प्रभाव के साथ चलता है, इसलिए सरकार पहले ही तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर टिड्डी का दल आता है तो डीजे, थाली, ढोल और नगाड़ों की आवाज से टिड्डी दल को फसल पर बैठने से रोका जा सकता है। टिड्डी दल के बारे में हमने ग्राम लेवल पे कमेटियां बना रखी हैं और हम इसका प्रचार कर रहे हैं। गांवों में बुनियादी करवाई जा रही है कि भाई टिड्डी जब भी आ सकती है तो आते ही इसके लिए हमने क्या सावधानी करनी है। हमने इनको बैठने नहीं देना फसलों पे, इनको ड्रम, ढोल, नगाड़े बजा के इनको उड़ाना है। और जब यहाँ रात्रि में जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ पे हमने इनको सामूहिक रूप से प्रयास करके इन पर स्प्रे करके इसको नियंत्रण में करना है। टिड्डी दल को लेकर किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि किसानों का कहना है कि एक मैसेज उन्हें मिला कि शाम तक टिड्डी फतेहाबाद में हमला कर सकती है। एक मैसेज मिला जी साडे गवांडी राज राजस्थान दे विच टिड्डियां दा बहुत वड्डा प्रकोप हो चुका, ते ए प्रकोप अज रात नूं उन्हां नूं मैसेज मिला भी फरियाबाद जिले दे विच भी बहुत बड़ा प्रकोप हो सकता। हालांकि कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस मैसेज को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि फतेहाबाद में शाम तक टिड्डी दल हमला कर सकता है। अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है ऐसी कोई संख्या नहीं है कि ये हमारे यहाँ पहुँचेगा। उन्होंने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस दल को वहीं खत्म कर दिया था, इसलिए फतेहाबाद में फिलहाल कोई टिड्डी दल के हमले की आशंका नहीं है। अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल टिड्डी दल ने खराब कर दी। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में टिड्डी दल पहुंच गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 20 से 25 मिनट में ही पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। एक किलोमीटर के दायरे में फैले झुंड में 15 करोड़ से ज्यादा टिड्डियां हो सकती हैं। इन टिड्डियों का एक किलोमीटर के दायरे में फैला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना चट कर जाता है। 1926 से 31 के दौरान टिड्डियों के हमले में 10 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद 1940 से 1946 और 1949 से 1955 के बीच भी टिड्डियों का हमला हुआ था। इनमें दोनों बार 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1959 से 1962 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसल तबाह की थी। 1993 के बाद भी 1998, 2002, 2005, 2007 और 2010 में भी टिड्डियों ने हमले किए थे, लेकिन ये हमले बहुत छोटे थे। प्रशासन का कहना है कि वो टिड्डी दल के लिए पहले से ही तैयार है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ढोल और थाली के अलावा भी प्रशासन के पास तैयारियों के साधन है या फिर आने वाले समय में ये दावे फीके ही दिखाई देंगे। पिछले दिनों हुई मौसम की मार की वजह से भी किसान काफी घाटे में रहा और यदि अब कोरोना की मार है वो भी किसान पे बहुत ज्यादा पड़ी है और अब यदि टिड्डी
दल की बात करें तो उसने भी किसान पर ही हमला बोल दिया है। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए समीर लंबोगी। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको अंदाजा लग चुका होगा कि ये कितनी खतरनाक है, कितनी भयानक है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब टिड्डी दल का हमला भारत पर हुआ हो, भारत के अलग अलग राज्यों पर हो रहा हो। इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन इससे हमने कितनी सीख ली है, कितनी तैयारियां करने का हमें वक्त मिला है और कितने हम तैयार हैं आने वाले समय के लिए इन टिड्डी दल से निपटने को लेकर के। इन्हीं जरा सवालों का हम जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको खास पैनल से हम आपको मिलवा दें, क्योंकि बात किसानों की है, किसानों की परेशानियों की है, तो इसी को लेकर के हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव स्वामी इंदर इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता अतर सिंह संधू जी हमारे साथ कार्यक्रम में, संधू जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सरकार का पक्ष रखने के लिए रेणु भाटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, रेणु जी बहुत स्वागत है आपका। और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका कार्यक्रम में। किसानों की बात है, परेशानी किसानों की सामने बहुत बड़ी है, इसलिए शुरुआत में किसानों से ही करना चाहता हूं। अतर सिंह संधू जी, ये पहले लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए कुछ मुश्किलें आई, फसलों की देखरेख, कटाई और उसके बाद मंडियों तक पहुंचाने तक कुछ चैलेंजेस उनके सामने आए। हालांकि सरकार ने अलग अलग समय में कुछ रियायत भी दी, ढील भी दी और समय भी दिया, लेकिन अब जब लॉकडाउन का फेज चल रहा है, मुश्किलें अपार हैं, ऐसे में टिड्डी दल का ये आतंक और प्रभाव आपको किसानों के ऊपर किस रूप में नजर आ रहा है? देखिए शुभेंदु जी, मेरा ये कहना, जिस देश का किसान खुशहाल नहीं हो, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे जो हमारे किसान मसीहा रहे सर छोटू राम ने ये बात कही, और आज निश्चित रूप से देश के किसान की हालत बहुत खराब है। कोरोना महामारी में किस तरह से किसानों ने अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचा, हालात खराब रहे किसानों के, उसके बाद उनको पैसा नहीं मिला, उसके बाद जो राहत पैकेज सरकार ने देने थे कोरोना रिलीफ फंड में, उसमें किसानों को कुछ ज्यादा नहीं मिला। हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है किसान किसानों की हेल्प करे। एक छोटी मांग हमने रखी थी किसानों, जो मेरा पानी मेरा विरासत, वो सरकार ने बात माननी है, उसका हम धन्यवाद भी करते हैं सरकार का। और अब ये टिड्डी का जो मामला है, टिड्डी दल जो प्रदेश पूरे देश में, मैं तो इसको राष्ट्रीय आपदा कहूंगा, क्योंकि पूरे चार स्टेटों में, पांच स्टेटों में टिड्डी दल का हमला हो चुका है और इसकी हालात इतने खराब हैं कि इन चार पांच प्रदेशों में कि पूरी खासकर कपास की फसल है और सब्जियां जिन पर ज्यादा इस टाइम अटैक कर रही हैं टिड्डियां, और कम से कम एक ये जो टिड्डियों के बारे में जो जैसे लोगों से हमें साइंटिस्टों से पता लग रहा है कि ये एक टिड्डी 500 से तक अंडे दे सकती है, तो इतनी इनकी बढ़ोतरी होती है, करीब एक किलोमीटर में 15-16 करोड़ के आसपास ये टिड्डी दल इतना। यानी कि खतरा सिर्फ टिड्डियों से नहीं है, उनके अंडों से भी है, जो कि वहां जो अलग अलग इलाकों में जहां से गुजरेंगे वहां पर देते हुए जाएंगे। वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है जब ये जहां बैठती है, वो पूरी तरह से फसल को खराब कर देती है उस एरिए को, और खासकर हरियाली में चाहे फूल हो, चाहे पत्ते हो, चाहे पेड़ हो, सभी का इसका पूरा नुकसान करता है। ऐसा आलंकन, ऐसा सर्वे के अनुसार निकला है भाई, ये जो 35,000 लोग खाना खाते हैं एक दिन में, उतना एक दल जो एक किलोमीटर में दल है वो इतना उतने का एक नुकसान पहुंचा सकती है। तो निश्चित रूप से किसान तो पूरे देश में बर्बाद हो ही गया। तो मैं तो ये मांग करूंगा भाई, सरकार कम से कम एक राष्ट्र आपदा इसको मान करके प्रदेशों को एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा करे। उम्मीद लगाए बैठा है कि खासकर जिन प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे राजस्थान का किसान हो, किसान तो किसान है, सब हमारे भाई हैं। पूरे राष्ट्रीय लेवल पे किसान, भारतीय किसान यूनियन उनकी हेल्प के लिए बैठी है, उनकी बात रखने के लिए हम धरातल पर बैठे हैं, हम लोग उनकी बक्स रखते हैं। तो मेरा तो ये मानना है भी सरकार ने उनकी इमदाद बिल्कुल करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस मुश्किल समय में किसान अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं जरा स्वामी इंदर जी आपसे भी रिएक्शन लेता हूं। ये जो इस वक्त की मुश्किल है, इसका कुछ समाधान, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये परेशानी सामने आई है किसानों के सामने, राज्य सरकारों के सामने पहले भी इसी तरीके से हमले हो चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार जो हमला है या फिर ये जो दल एक साथ आया है वो बहुत बड़ी संख्या है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? टिड्डी दल का जो हमला हुआ है, डेजर्ट टिड्डी दल जो रेगिस्तानी इलाकों में होता है,
उस वजह से किसान को जो है बड़ा नुकसान होने वाला है पूरे भारत के अंदर। ये टिड्डी दल जो है जी, आप तक मेरी आवाज नहीं आ पाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी मुझे आवाज आ रही है? बताइए स्वामी जी। चलिए लगता है कुछ खामी है, उसको जरा दूर कर लेते हैं। लेकिन इस बीच रेणु भाटिया जी सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बनी हुई है। मैं रेणु जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि ये जब टिड्डी दल का आतंक अब नजर आ रहा है, किसानों के ऊपर एक भारी मुश्किल है और हरियाणा के ऊपर भी कहीं ना कहीं खतरा तो है ही, हालांकि अब क्या स्थिति है वो भी आप बता दीजिए, किसानों को जरा स्पष्ट कीजिए कि अब सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं, टिड्डी दल से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जिला स्तर पर कितना सतर्क किया गया है, किसानों को कितनी जानकारी दी गई है। शुभेंदु, मैं सबसे पहले ये समझती हूँ कि पता नहीं भारत को किसकी नजर लगी कि पहले कोरोना की मार और अब फिर टिड्डी दल की मार, और ये चार पांच प्रदेशों में जिस तरफ से ये आया है दल पूरा, जो कि जैसा हम सुनते हैं कि 15 से 20 करोड़ का एक बड़ा समूह होता है टिड्डियों का जो बर्बादी करता है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए। परंतु ऐसी महामारी के समय में इनके साथ भी निपटना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज दिन में मेरी बात कृषि मंत्री जी के एक बयान को सुनने के बाद हुई, तो यही जानकारी मुझे भी मिली कि हम इस बार पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि पहले से ही हमें एक इन्फॉर्मेशन या एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ये पहले से ही पता लग गया कि कितना बड़ा टिड्डियों का समूह किस डायरेक्शन से किस समय पर कहां पर पहुंचेगा। तो जो ये ढोल नगाड़े वाला हमारी जो नीति है और जो एक रीत होती है ये करने की कि इस ऐसी आवाज से टिड्डियां भ्रमित होती हैं, पारंपरिक तरीके हैं रेणु जी, ये जो तरीके हैं ये तो पारंपरिक है, ये किसान पहले से ही अपना तरीका, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इस दौर में। लेकिन बावजूद उसके पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग कीटनाशक ऐसे जो फसल को बर्बाद ना करें, बस केवल उनको बिस्मा दे, ऐसे कीटनाशक की तैयारी की गई है कि जैसे ही ये दल राजस्थान की ओर से बॉर्डर की ओर से आएगा तुरंत इसका छिड़काव होगा। और ये किसानों के लिए जगह जगह पर सरकार ने ये तैयार करके रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस चीज में सफल रहें, क्योंकि कुदरत के प्रकोप के आगे हम जितना भी तैयारी कर लें कई बार फीकी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। लेकिन प्रयास ये है सरकार का कि एक बार भी निशाना ना चूके, पूरा नहीं, ये जो खतरा है ना रेणु जी, ये जो खतरा है पहले के मुकाबले अगर हम आकलन करें तो पहले उतना बड़े दल में नहीं आते थे, इस बार दल बहुत बड़ा है, पूरी ताकत के साथ ये टिड्डी दल जब अब हमला कर रहा है, राजस्थान हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर है, हम देख रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं वहां पर कितना नुकसान हुआ है। तो उसके बाद अभी रासायनिक तरीके का जो आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया जाएगा या और क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाएंगी, ताली थाली से क्या बात बन जाएगी सिर्फ? देखिए नहीं नहीं, वो तो एक जो परंपरा है इस चीज को करने की, किसान भाइयों की पुरानी, वो करना चाहते हैं और वो करनी चाहिए, अपनी परंपराओं को किसी भी तरीके से हम करना चाहते हैं वो करनी चाहिए। लेकिन जो साइंटिफिक वे में तैयारी की गई है, सरकार ने जिस तरह से, कृषि मंत्रालय ने जो तैयारी की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और जो है स्ट्रांग तरीके से इस बार की है, क्योंकि राजस्थान को देखते हुए और जो पश्चिम देशों को देखते हुए जो न्यूज मिलती जा रही है कि उन्होंने वहां पर इस तरीके से प्रहार किया और इतने इतनी संख्या में दल था, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी की गई है कि किस तरह से कीटनाशक ये स्प्रे करना है। तो स्प्रे की अलग अलग बॉर्डर लाइन पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जिलों में तैयारी की हुई है। ठीक है, अलग अलग जिलों में तैयारी की गई है, जिला स्तर पर ये तैयारी है। लेकिन मनीष जी जरा इस बात को बताइए कि सरकार तो कह रही है कि हमारी तरफ से तैयारी है, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है उसको भी अपनाया जाएगा, ताली थाली एक बार फिर से बजाई जाएगी और इन जो टिड्डी दल है उनको दूर भगाया जाएगा। देखिए सरकार की प्रवक्ता हैं बड़ी बहन रेणु भाटिया जी, कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इस बार हमें इन्फॉर्मेशन पहले से मिल गई तो हमने पहले से उसकी रोकथाम करने के लिए हम वो करेंगे। इन्फॉर्मेशन तो कोरोना की भी पहले से मिल गई थी, सबको पता था चाइना से इटली जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, और जिस तरीके से वो हिंदुस्तान आया, इन्फॉर्मेशन आज 60 दिन पूरे हो गए, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, बार बार कभी बॉर्डर सील करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है,
तो ये सब कहने की बातें हैं। सरकार मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ बातें बनाती है। आज ये बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बात करते हैं साइंटिफिक तरीके की, और उसके बाद बात करते हैं ये थाली बजाने की। क्या थाली बजाने से कितनी किसान का जो जमीन है, आप देखिए उस जमीन पे आप कितने लोग होते हैं, वहां पर जहां पर किसान खेती करता है वहां ज्यादा लोग नहीं होते, तो कितनी थालियां बजाएंगे, 5, 10, 15, 20, 50, और उनकी संख्या है करोड़ों में। तो क्या करोड़ों टिड्डियों को आप थाली बजा के भगाने की सोच रहे हैं, उनको भ्रमित करने, मतलब किस तरीके की बातें कर रहे हैं? वो पारंपरिक तरीके जब के थे जब टिड्डियां 500, 200, 700, 1000 के उसमें आती थी, नहीं नहीं, जब वो हजार के रेशियो में आती थी, आज वो करोड़ों के रेशियो में है। आप करोड़ों की रेशियो को अगर आप टिड्डियों को आप थाली बजा के, और जो साइंटिफिक नहीं, आप बताइए ना कौन से प्रशासन ने साइंटिफिक तरीका बताइए, कीटनाशक तैयार, आप कौन सा कीटनाशक, आप कैसे, जब वो टिड्डियां जब वो फसल को खराब कर देंगी, उसके बाद आप उसको पहले तैयार रखो ना। आप जहाँ आप देखिए वो एंट्री कहाँ से करनी है, आप देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा, हम तो किसान की बात कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे थे जब किसान 20 दिन से धरने पे बैठे थे, तो वो लोगों की आवाज नहीं थी। जब कल आपने उनका फैसला मान लिया, तो वो लोगों की आवाज थी, उससे पहले वो कांग्रेस की आवाज थी। किसान जो है देश के अंदर आता है, आप किसान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, नहीं पूंजीपतियों की पार्टी है। आप बड़ी बहन पहले सुनने का मादा रखिए, उसके बाद सर्टिफिकेट मनीष जी आप तो नहीं देंगे, वो खैर दोनों अपनी अपनी बातें रखें, एक एक करके रखें। रेनू जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? मनीष जी ऐसे कह रहे, हाँ बिल्कुल मैं कहूंगी, मनीष जी आज बिल्कुल राजनीतिक मूड में है, जबकि एक और कोरोना का प्रकोप है, दूसरी और टिड्डी दल का। इनको पता नहीं राज्य के लोगों से कुछ ना तो हमदर्दी है ना उनका एहसास है उनकी परेशानी का, केवल राजनीति करनी है, किस किस कौन से आका को कुछ करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं समझती, नहीं जानती, तो क्या सोनिया जी जानती हैं? वो अगर भारतीय अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात समझती तो किसान सड़कों पर नहीं होते, जवानों से किसानों को गोलियां नहीं मरवाई जाती, पराली पर मुकदमे दर्ज नहीं होते। अगर आप किसान की बात समझते तो आज किसान की हालत 70 साल में सबसे दयनीय है, किसान का सुसाइड रेट आज सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, जरा समझ में आती इन्हीं चीजों को लेकर के, ठीक है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अजय बुलिया जी, मैं जरा रेणु जी, मैं आपसे 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 सवाल का जवाब भी लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन अजय गुलिया जी, ठीक है, मैं आपका मनीष जी, मैं सवाल जरा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है, जरा और भी बाकी मेहमान है उनको भी थोड़ा समय देना है। अजय गुलिया जी, ये ताली थाली से क्या बात बनेगी, जो पारंपरिक तरीके से जैसे टिड्डियों को भगाया जाता था, और ये सवाल जो है विपक्षी खेमे की तरफ से उठाया भी जा रहा है कि ताली थाली का जो पारंपरिक तरीका था वो पुराना हो चुका है, वो उस समय कारगर था जब टिड्डियों की संख्या उस दल के अंदर बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब जब संख्या बहुत ज्यादा है, आतंक पूरे अलग अलग देशों पर नजर आ रहा है, तो क्या अब उसमें चीजों के अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए सुगंध दुबई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन कि जो हमारे पारंपरिक तरीके थे जो इतने कारगर थे वो आज बेकार हो गए क्या? और कब टिड्डियां 200-500 की संख्या में आई? जब भी हमला हुआ तो इतनी संख्या में हुआ, थोड़ी बहुत गड़बड़ सकती है, ये क्या गिनने बैठे थे? एक चीज इनको शायद पता भी नहीं होगा, ये दो दो किसान नेता बैठे ये बता देंगे कि गोपिये और डामचे, इसको कहते हैं डामचा जिससे आवाज की जाती है, और गोपिये जिससे कि छोटे छोटे मिट्टी के डले फेंके जाते हैं खेत के अंदर, लंबी दूरी तक उसको फेंका जा सकता है, वो आज का तरीका नहीं है मेरे भाई, वो कई सौ वर्ष पुराना तरीका, और आज भी कारगर है, ये किसान नेता बैठे ये बता देंगे इस बात को, वो आज भी कारगर है, तो क्या उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो कई सौ वर्ष पुराना है? वो परंपरागत तरीका है, अगर वो आज कारगर है तो उसको अपनाया जा सकता है। दूसरी बात, अतर सिंह संधू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि टिड्डियां सिर्फ आएंगी नहीं, वो जहां बैठेंगी वो अंडे भी देंगी, छिड़काव करके उसको रोका जाए ताकि वो वहां अंडे ना दे, वो चिकना पदार्थ एक तेलिया पदार्थ वो ना छोड़े ताकि फसल को नुकसान ना हो। इसकी तैयारी रेणु भाटिया जी ने बताई कि सरकार ने केमिकल स्प्रे की तैयारी कर रखी है, वो कितनी कारगर होगी नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि देखिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी ये कारगर होगा,
और इस नुकसान को मिनिमाइज किया जाने का प्रयास सरकार की तरफ से और करेंगे। नहीं गुलिया जी, इसमें एक चीज तो ये भी है कि जब हम खेती करने के तरीकों में बदलाव ला सकते हैं, हम उसमें आधुनिकता को शामिल कर सकते हैं, तो अब जब टिड्डियों को भगाने की बात है, यहाँ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि अब पुराने तरीकों के साथ साथ हमें नई चीजों को भी शामिल करना होगा। तो अगर टिड्डियां हमला कर रही हैं, देखिए हाँ। जो चीज कारगर है शुभेंदु भाई, आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं बदल सकते, ये नियम है। जो चीज आपको उपयुक्त है, आपको फायदा पहुंचा रही है, टिड्डियों को भगा रही है, अगर डामचे की आवाज से टिड्डियां भाग रही हैं, गोपियों के हमले, जो जिसको गोपिया बोलते हैं, उसके अंदर मिट्टी के डले डाल करके उसको खेतों में फेंका जाता है, टिड्डियां उससे भागती हैं। अगर इसमें गुड़िया जी, एक चीज तो ये भी है ना कि राजस्थान में जितनी तबाही मचाई है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वहां के किसानों को इस बारे में नहीं पता होगा, या वहां की सरकार को, प्रशासन को इस बारे में नहीं पता होगा? वहां भी तो ये सब चीजें अपनाई गई है ना, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान हुआ शुभेंदु, नुकसान हुआ शुभेंदु भाई, मैं मिनिमाइज की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस नुकसान को मिनिमाइज करने का प्रयास सरकार की तरफ से है। देखिए, अब टिड्डियां आएंगी, अगर मैं आज आपके टीवी चैनल पर बैठ करके ये कह दूं कोई नुकसान नहीं करेंगी, ये गलत बात है। देखिए, जब टिड्डियां आएंगी तो कुछ ना कुछ नुकसान तो किसान को टिड्डियां करेंगी, लेकिन उस नुकसान को मिनिमाइज किया जाए, ये प्रयास सरकार की तरफ से है, चाहे वो केमिकल का स्प्रे करके हो या किसानों को जागरूक करके हो। एक दूसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो बार बार आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता आज नहीं हर टीवी डिबेट में कहते हैं, ये फतेहाबाद का पानी का मुद्दा उठाते हैं, अरे बूना की शुगर मिल को किसने बेचा था प्राइवेट हाथों में, उसको बेच आए थे तुम प्राइवेट लोगों को, उस मिल को तुम बेच आए थे, क्योंकि तब भी जब बेचा था 24,000 एकड़ में किसान वहां पर गन्ना उगाता था, उस मिल को बेच करके पैसे बनाने का, पैसे खाने का, हरियाणा प्रदेश के किसानों को लूटने का काम तुम लोगों ने किया था। किस फतेहाबाद की बात कर रहे हो तुम लोग? ये गुलाबी गैंग और ये टिड्डी गैंग दोनों हरियाणा प्रदेश के किसानों को बर्बाद करने के लिए है। ठीक है, मैं जरा इस सवाल का जवाब ले लूंगा मनीष जी से, लेकिन मैं जरा यहाँ पर अतर सिंह संधू जी, ये जो कई चीजें इसमें बताई गई हैं कि पारंपरिक तरीका है, उसी से भागती भी हैं, तो क्यों ना उसको ही अपनाया जाए? देखिए मेरे मित्र गुलिया जी खुद एक किसान हैं, और रेणु भाटिया जी को भी सुन रहा था, बहन जी को, मैं ये तरीका एक बहुत पुराना समय आ चुका है, समय बदल चुका है। ये जो गोफिया और डमचे की जो बात थी, वो चिड़िया और जो बाकी पक्षी थे उनको उड़ाने के लिए होता था, टिड्डियों पर ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए अब जरूरत है कि सरकार अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराए, ताकि किसान समय से पहले उसका छिड़काव कर सके और उनका प्रकोप ना पड़े। अगर सोचे कि सरकार भैया ठीक है आप गोफिये से अगर टिड्डियां उड़ाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये 15 करोड़ और 20 करोड़ की एक बड़ा दल है और उसके लिए संभव नहीं है। मेरे ख्याल 1 किलोमीटर के दायरे में संभव नहीं हो सकता पूरा गाँव एक गोफिया एक तरफ लेके चले या पूरा गाँव घूमे। अब वो समय बदल चुका है, तो मैं तो मित्रों एक ही बात कहूंगा, सरकार से एक फरियाद करूंगा, भाई किसानों के लिए कोई ऐसी जितनी जल्दी हो सके आप अपने इंजीनियर से बात, अपने साइंटिस्ट से बात करें, उनके लिए अच्छी दवाई प्रोवाइड कराएं, उनके लिए मशीनों का प्रावधान कराएं, ताकि किसान समय से पहले अपना स्प्रे कर सके और जिस एरिया में आए उस एरिया में उनको भगा जा सके। वो सरकार को हल करने की जरूरत है, और सरकार को ये चाहिए भी अगर जिस एरिया का नुकसान होता है किसान का, उसको फौरी तौर पर उस किसान की हेल्प करे, ताकि किसान अगली फसल या आने वाली फसल में समय है, ताकि उसकी बुआई समय से कर सके, उसका नुकसान ना हो किसान का। ठीक, तो किसान की हेल्प भी बहुत जरूरी है फौरी तौर पर। ठीक है, मैं मनीष जी आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन जरा एक सवाल और है। मैं रेणु भाटिया जी, ये सवाल ये है कि कीटनाशकों का छिड़काव करने की बात तो की जा रही है, लेकिन जब टिड्डी दल आ जाएंगे, क्योंकि आगमन ही है, अभी ये मानकर चल रहे हैं कि बिल्कुल डोर पर है, वो नॉक कर रहे हैं, बस आने ही वाले हैं, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पहले छिड़काव कर दिया जाए कीटनाशकों का फसलों पर, जब तक नहीं करेंगे तो फिर आतंक बच जाएगा, उसके बाद नुकसान होगा, फिर हम भरपाई करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले से एहतियात के तौर पर हम क्यों ना छिड़काव कर दें? नहीं, जो टेक्निकलिटीज होती हैं जी, बहुत से साइंटिस्ट, बोलिए जी, आता हूं मैं आपके पास, और वो पर्टिकुलर टाइम बाउंड होता है कि किस टाइम छिड़काव होना है, किस टाइम जो है कितना उसका इफेक्ट होगा, कितने टाइम में इफेक्ट होगा, हर पेस्टिसाइड का एक टाइम बाउंड होता है उसके इफेक्ट का। तो ये साइंटिफिक वे में देखा जाएगा कि किस दिशा से, किस हिसाब से टिड्डी दल जो नजदीक आ रहा है, जैसे ही वो आएगा उसके लिए ये पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं कृषि मंत्री जी ने भी अपना इस बात के ऊपर बयान दिया हुआ है कि पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है
राजस्थान के उस क्षेत्र की ओर से, दक्षिण एरियाज की तरफ से, जैसे ही ये प्रकोप दिखेगा कि हमारी ओर बढ़ रहा है, उस छिड़काव को किया जाएगा। तो मतलब पर्टिकुलर हर चीज का एक टाइम होता है। हम ये कहें कि पहले से आके कमरे में हम जो है वो छिड़काव कर दें और उसके बाद टिड्डी दल आएगा तो कमरे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फसल का भी ध्यान रखना है और उस खेत में जो फसल है उसको भी ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा पेस्टिसाइड स्ट्रॉन्ग है कि उसका इफेक्ट फसल पे ना हो। तो हर तरीके से इस चीज को देखते हुए इस एक्शन को लागू करना होगा। ठीक है, मैं गुलिया जी से जवाब लूंगा, लेकिन मनीष जी इसमें एक चीज, ये रेणु जी, रेणु भाटिया जी कह रहे हैं कि पहले पहले जो है आने दीजिए, देखने दीजिए। आपको बताना चाह रहा था, देखिए अब सरकार कम से कम ये तो बताए भाई, वो जो पेस्टिसाइड है कहाँ मिलेगा किसान को। ये हमला इस बार राजस्थान से होने वाला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से भी होगा और दिल्ली से भी होगा, जो कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के एरिया में टिड्डी दल जा चुके हैं। ये हरियाणा में चारों तरफा हमला होगा और हमारे पास कोई इतनी बड़ी वो सरकार के पास सिस्टम नहीं है, मैं पूरे प्रदेश की टिड्डियों को एक बार में रोका जा सकता है। ये ऑलरेडी नोटिस किया गया है कि ये चार पांच जिलों की ओर से जो है आएगा, जो इनका रुख है उसमें चार पांच जिले हरियाणा के कवर होते हैं। तो जिस ओर से वो आ रहा है उस ओर तैयारी पूरी की गई है। किसानों को पर्टिकुलर देने की बात नहीं है, इसमें सरकार के प्रशासन के लोग भी जुड़े हुए हैं जो आते ही इस चीज का छिड़काव करेंगे। केवल किसान को देकर और उस समय छिड़काव, ये एक ऐसा अटैक है जिस तरह से बॉर्डर पर अटैक होता है और हर सैनिक मुस्तैद रहता है, उसी प्रकार सरकार इस अटैक के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है, खटाना जी, आपको लग रहा है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं? देखिए, ये तो समय बताएगा सरकार की तैयारियां कितनी हैं और कितने नुकसान की सरकार कैसे भरपाई करती है। लेकिन मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता गुलाबी गैंग की बात कर रहे थे, घोटाले की बात कर रहे थे, मैं उस पर जरूर एक मिनट बोलना चाहूंगा कि मात्र एक साल पूरा नहीं हुआ, विषय पे आ रहा हूं मैं, मात्र जेजेपी को एक साल पूरा नहीं हुआ और एक साल के अंदर चाहे माइनिंग घोटाले की बात कर लो, चाहे पराली पर किसानों को बंद करने की बात कर लो, चाहे पानी पर ले लो, चाहे मंडियों में गेहूं की बात कर लो, चाहे शराब घोटाले की बात कर लो, मेरे भाई आपके मंत्री ने आपके छोड़ दीजिए विषय पर आरोप लगाया। ठीक है, ठीक है, मैं जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर यहाँ पर रुक रहा हूँ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर मुझे मजबूरी में रुकना पड़ेगा खटाने जी। ठीक है, स्वामी इंदर जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन लूंगा। गुलिया जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल सवाल यही है कि तैयारियां जब कह रही है सरकार के पूरी हैं, लेकिन किस रूप में है, क्या आगमन होने के बाद छिड़काव किया जाएगा फसलों के ऊपर, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए भी क्या सरकार तैयार है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और लगातार सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। मैं जरा सबसे पहले अजय गुलिया जी आपसे ही ये सवाल करना चाह रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमने किया था कि नुकसान अगर होता है किसानों का, आपने पूरी तैयारियां कर ली, आपने हर तरीके से आपने कीटनाशक दवाइयां और ताली थाली सभी के लिए तैयारियां आपने कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हद तक तो नुकसान पहुंचता ही है, अगर ऐसा होता है तो किसानों को सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जाएगी क्या, इस बारे में सोचा जा रहा है? किसान हितैषी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो अगर किसान को किसी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होगा तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू हो या सरकार की तरफ से किसानों को रिलीफ दे करके किया जाए। तो सरकार इस बात के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और मैं पहले कह चुका हूँ कि इसको मिनिमाइज करने का प्रयास सरकार की तरफ से है कि नुकसान कम से कम हो और जो कम से कम भी नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, इसमें एक चीज है अजय गुलिया जी, जो कि यहाँ पर किसान नेता भी कह रहे हैं कि कम से कम आपको जो पेस्टिसाइड यूज होने वाले हैं या आपने जिला स्तर पर जो निर्देश दिए हैं, कम से कम किसानों को भी उसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि अगर ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो हर कोई किसान, क्योंकि अपने खेत बचाने के लिए, फसल बचाने के लिए खरीदारी करेगा और एक दाम उसके तय कर दिए जाए, ताकि किसान आसानी से किसी भी स्टोर से खरीद ले। वो उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि अगर ये नुकसान होता है या ऐसा हमला हो रहा है तो वो सरकार का इंतजार ना करे, वहां पर प्रशासनिक टीम कब पहुंचेगी, कम से कम अपने स्तर पर ही वो कुछ एहतियात के कदम उठा ले। नहीं देखिए, ये किसी एक किसान की समस्या नहीं है सुबिंदु भाई, कि उसको कह दिया जाए या कुछ किसानों के कि आप ले ले,
ये समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश के कई जिलों के लिए, तो सरकार की तरफ से ये जो जो भी स्प्रे होंगे ये सरकार की तरफ से किए जाएंगे और लोगों को, किसानों को मुफ्त में मुहैया कराया जाएंगे सरकार की तरफ से कि आप ये स्प्रे करें। अगर कोई किसान अपनी तरफ से करना चाहता है तो उसको उसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। ठीक है, अभी ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी कह रहे थे ये तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं, ये खेती किसानी के बारे में क्या जानते हैं, ये क्या बताएंगे, ये कभी खेत में गए हो तो बता पाएंगे ना। ना जी ना, हम तो बॉम्बे से आए हैं जी। बोलिए साहब। ठीक है नहीं, मैं इसमें इसमें स्वामी इंदर जी, मैं आता हूँ रेणु जी, मैं आता हूँ आपके पास भी। स्वामी इंदर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं स्वामी इंदर जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि किसान को लेकर के जो परेशानियां हैं उसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नुकसान किसी भी रूप में किसान का नहीं होने दिया जाएगा, आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप, आपको भरोसा है कि सरकार जो कह रही है वो पूरा कर देगी? बिल्कुल नहीं, सरकार की तैयारियां हमारे कहीं हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। किसान बिल्कुल ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है। किसान अपने तौर पर जितना भी कुछ कर पा रहा है वो कर रहा है, पर सरकार वही कर रही है जो कोरोना में किसान लोगों से कहा था कि आप थाली बजाइए, आप डीजे बजाइए, लोग वैसा ही कर रहे हैं, किसान वैसा ही कर रहे हैं। पर सरकार क्या कर रही है, आप पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपने कितना पैसा का इंतजाम किया है, कितने लोगों को आपने इसके लिए डिपार्टमेंटों को बताया है कि आपने किस क्षेत्र में क्या काम करना है। लगभग 10 जिले हरियाणा प्रदेश के प्रभावित होने वाले हैं। जब ये टिड्डी दल पाकिस्तान से भारत आया था मात्र ये 1 किलोमीटर का था और आज ये दल लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबा अलग अलग हमें दिखाई देता है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर ये लगभग 4 करोड़ की आबादी इसके अंदर होती है। अगर ये 15 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का अगर हो गया और हरियाणा प्रदेश के अंदर घुस गया तो हरियाणा का जो दलहन का किसान है वो लुट जाएगा। जिस किसान ने अभी जो अपने धान की बुआई की है वो बर्बाद हो जाएगा। कपास लगभग हरियाणा प्रदेश में 80% लग चुकी है और ये टिड्डी दल जो है डेजर्ट एरिया का टिड्डी दल है, राजस्थानी टिड्डी दल है और ये टोटल जो हरियाली को जाकर अटैक करता है, सारी फसल कट कर जाता है। सरकार की धरातल पे कोई तैयारी हमें नजर नहीं आ रही, किसान लुट रहा है और सरकार बचाने की बजाय हमारे को परंपरागत तरीकों से इसका उपचार करने को कह रही है। यानी कि आप मान रहे हैं कि ताली थाली से कोई बात बनने वाली है नहीं? हाँ, मैं रेणु जी आपसे जवाब लूंगा। हाँ ठीक है, बड़ा हैरान हो रही हूँ। मतलब बहुत मैच्योर है ये, किसानों की रग रग को पहचानते भी हैं, ये भी कहते हैं कि हम किसानों की बात को समझते हैं, फिर भी एक इतना अजीब सी बात कर रहे हैं कि हमें सरकार बताए कि कितने लीटर ये है, कितने लीटर वो है। देखिए, टिड्डी दल का जो आना है ये एक आपदा की तरह है और कितनी क्वांटिटी में किस स्पीड में आ रही है उसके मुताबिक तैयारी की जाती है और वही तैयारी सरकार ने की है। अब आप ये कहें कि कितने लीटर आपने पेस्टिसाइड लिया हुआ है, कितने किलो आपने दवा ली हुई है, ऐसे कहीं थोड़ी होता है इस तरह का जो अटेम्प्ट किया जाता है प्रोटेक्शन अटैक। नहीं रेणु जी सवाल ये भी है, मैं आपसे पहले भी यही सवाल कर रहा था कि पहले ये तो देख लीजिए। एक मिनट शुभेंदु, एक ये और बोल रहे थे कि ये पहले बता दे कहाँ मिलता है, किसान ले ले, और ये बाद में यही लोग बोल, अगर हम बता दें कि किसान फलां जगह से ये दवा ले ले, यही लोग बोलेंगे अगली डिबेट में कि ये दवा तो फ्री दी जानी चाहिए, जबकि ये दवा फ्री है। तब भी ये टिड्डी दल आपको गुलियर जी ने बताया कि ये सरकार की तरफ से तैयारी है, सरकार प्रोटेक्शन करेगी इस मामले में और सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। रही बात बावजूद इतनी सुरक्षा के नुकसान की, तो सरकार ने हमेशा किसानों का नुकसान की भरपाई की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा हर किसान के नुकसान की भरपाई की है। ठीक है, यानी कि किसानों के लिए पूरी तैयारी की गई है। मैं खटाना जी आपके पास जाऊंगा, ठीक है। रेणु भाटिया जी आप धरातल को समझिए, रेणु भाटिया जी आप धरातल को समझिए। आप सरकार में हैं, अजय गुलिया जी बात को समझते हैं, कोई किसान है, आप किसान नहीं, आपको पता नहीं है किसान के साथ क्या मुसीबत आने वाली है। हम सरकार के पार्ट है, सरकार की बुराई नहीं कर रहे, हमारी बात को समझिए।
किसान ये कह रहा है भैया, हमें ये बता दें, किसान हमारे अन्नदाता है, उनके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमें पता है। आप ऐसी बातें ना करें, रेणु जी बात तो सुनिए, पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले आप ये बात आप ना कहें कि हम सरकार आपको सुना की बात नहीं समझते, रेणु जी धरातल की बात को समझते हैं। रेणु जी पहले आपने हमने आपको सुना, हमारी सुनिए। हमने ये नहीं कहा किसान खरीद के रखेगा, किसान को ये बताइए भाई कहाँ मेडिसिन मिलेगी, क्या सरकार के पास कोई आर्मी है क्या जो टिड्डी दल को भगा देगी, कोई आर्मी भर्ती किया क्या सरकार ने, सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है। कहा जा रहा है कि ये काम सरकार का, सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है, छिड़काव की पूरी तैयारी की है, फिर क्या कोई आर्मी है क्या सरकार के पास, सरकार इसमें ठीक है ठीक है। आदर सिंह जी जरा जवाब भी ले लेते हैं, मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ। सरकार उनको ये बताए भाई कौन सी दवाई का छिड़काव होगा, ठीक है, ताकि वो अपने अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे पता कर ले भाई दवाई, ठीक है, जानकारी कम से कम किसान के पास हो। रेणु जी ये सवाल यही है कि किसान के सामने अभी अभाव है जानकारी का, कि वो अगर ऐसा होता है आपदा कोई आती है तो ठीक है। गुलिया जी तो कह रहे हैं कि सरकार का ही दायित्व बनता है कि वो फ्री में जो है छिड़काव करवाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप टिड्डी दल का आतंक हो जाता है, अगर आप पहले से तैयार नहीं है, छिड़काव नहीं किया है, तो कुछ जगहों पर तो नुकसान हो ही जाएगा ना, तो कम से कम एहतियात के तौर पर वहां पर पहले से ही स्टैंड बाय मोड पर हम पूरे प्रशासन को रखें या किसानों को तैयारी के लिए कह दें कि आप वहां पर तैयार रहिए। देखिए आपकी और मेरे कहने से थोड़ी, सरकार तो ऑलरेडी इस ड्यूटी को निभा रही है और टेक्निकली साइंटिफिकली जो जरूरत है वो हमारा पूरा डिपार्टमेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें खटाना जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए टेक्निकल साइंटिफिक ये तो समय बताएगा कि ये सिर्फ बातें बातें हैं या ये कुछ करेंगे। और जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी हम इसका भरपाई करेंगे, इसका हर्जाना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जेजेपी आज से पहले जब सरकार में नहीं थी तो इसी सरकार को कोसते हुए टाइम नहीं लग रही थी, और जिस तरीके से भरपाई की बात कर रहे हैं, ये राम भरोसे है इस समय हरियाणा, चाहे वो कोरोना की बात करें चाहे टिड्डी दल की बात करें। और जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये तो इनको किसान का क्या पता, ये तो ऊंची ऊंची, एक मिनट, ये तो ऊंची ऊंची, मैडम एक मिनट, एक मिनट, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, मैं बता दूं तो नहीं नहीं मैं बता दूं कि हम नहीं मैं आपको बता नहीं ठीक है मैं आपको बता जवाब जवाब भी लूंगा मैं जवाब जेजेपी से बात कर रहा हूँ, जब मैं जेजेपी से करता हूँ तो बीजेपी कवर करती है, बीजेपी से बात करता हूँ तो वो कवर करते हैं। हरियाणा की जनता राम भरोसे है, आज भी लोग सड़कों पर हैं बेचारे। नहीं अभी अभी आप कहते हैं कि नहीं सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, आप कहते हैं कि हम सरकार के साथ में, सरकार सही कदम उठा रही है, ठीक है, हालांकि वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है क्या? नहीं ठीक है सर, छोड़ दीजिए, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ठीक है, एक मिनट देखिए मुद्दे पर रहिए, टू द पॉइंट बस। मैं जरा मेरे भाई बात कर रहे थे किसान की कि भाई आपको क्या पता, तो मैं बता दूं मैं 30 एकड़ का मैं भी किसान हूं, मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी ने भी खूब खेती करी है, और ठीक है उन्होंने, हर किसान का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख के, आई हैव डन एमबीए, मैंने एमबीए की है, ठीक है मैंने खेती नहीं की, लेकिन मुझे किसानों का दर्द अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैंने खेतों में जाकर अपने पिताजी को, अपने दादा को और अपने पूरे परिवार को, ताऊ चाचा को वहां पर खेती करते हुए देखा है, फसल को उजड़ते हुए देखा है, प्रकृति की मार सहते हुए देखा है, ओले और बारिश को देखा है, और सरकार के मुआवजे की स्कीम को भी देखा है। आपकी इंश्योरेंस के समय में तो कांग्रेस आपकी की सरकार थी, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आप भूल रहे हैं, आप 6 साल से हैं, आप भूल रहे हैं, आप 6 साल से सरकार में हैं, और जो बात आप किसानों के मुआवजे कर रहे हैं अभी तक मैंने जो आपने कहा मैंने उनको खेती करते हुए देखा है, मैंने किसानों को देखा, चलिए ठीक है ये छोड़ दीजिए खेती, और जो आप बात कर रहे हैं मुआवजे की, तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर रखा है, अभी तक किसानों का गेहूं नहीं खरीद पाए आप, किस तरीके के मुआवजे की बात कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, मैं जरा अभी तक नंबर नहीं आया है। गुलिया जी से एक रिएक्शन लेता हूँ। गुलिया जी जरा एक बार और एक चीज और समझाइए कि ये एक रिसर्च के दौरान ये कहा जा रहा है कि टिड्डी दल का जो हमला है जो अभी हो रहा है, आने वाला है अब कुछ समय में हरियाणा के अंदर भी, ये ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन इस हमले के बाद एक बार फिर से टिड्डी दल का हमला होगा, उसको लेकर भी क्या एक व्यापक स्तर पर तैयारियां या लंबे समय तक के लिए ये ऐसी कोशिश की जाएंगी? देखिए सुबेंद्र भाई, कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं जिनका कि अगर कोई और साथी भी इस्तेमाल करेगा, उन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। अब वो पेस्टिसाइड है, मैथ्रीजियम नाम है उसका, अगर मैं यहाँ पर अभी टीवी डिबेट में उसका नाम लूं कि लोक्टोकस जो है, जिसको ये बोलते हैं साइंटिफिक नेम है, अगर उस पर स्प्रे करेंगे मैथ्रीजियम का,
तो वो उसको इसके असर को कम करेगा ना के बराबर। तो लेकिन अगर ये सब ये मार्केट में किसानों के पास बिल्कुल उपलब्ध है और सरकार पूर्ण रूप से तैयार है किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। अब दूसरी बात, अब देखिए आज विडंबना है मेरे प्रदेश की मेरे देश की कि आज बात कौन कर रहा है, ये कह रहे हैं कि कौन सिखाएगा। अरे भाई कम से कम खेती किसानी इटली से सीखने की तो हमें आवश्यकता नहीं है, सरकार तैयार है ये कह रहे हैं कि उनकी से पहले रुकते ही नहीं है। कोई सोच भी सकता था कि ऐसी विपत्ति की घड़ी में सरकार इतने अच्छे तरीके से गेहूं की खरीद सरसों की खरीद करेगी और कितना पैसा किसानों अभी तक के तो पास नंबर भी नहीं आया होगा, दो महीने ठीक है जरा क्योंकि मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ गुलिया जी, मैं फिर उसके बाद मैं जरा स्वामी इंद्र जी के पास आता हूँ, अतर सिंह जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन लॉकडाउन के कारण क्या आपको लगता है कि टिड्डी दल से निपटने के लिए जो प्रयास थे वो कुछ हद तक कम रह गए, क्योंकि लॉकडाउन भी है बहुत सारी तैयारियां इसमें रह जाती हैं। सुमित भाई देखिए मैं एक चीज, आजकल सबका ध्यान जो है वो कोरोना की तरफ है, कोविड 19 एक महामारी है और ना सिर्फ भारत के स्तर पर वैश्विक महामारी है। तो जो सरकार की तैयारियां है वो चीजें आजकल टीवी चैनल्स के माध्यम से भी या और किसी माध्यम से भी कम लोगों के सामने आ रही है, लेकिन ये कतई ना सोचा जाए कि सरकार सीरियस नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, सीरियस है और किसान भाइयों को मैं तो ये फिर भी कहूंगा कि वो भी अपने स्तर पर प्रयास करें और सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है और मदद की भी जाएगी ताकि इस नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके। मिनिमाइज शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जरा स्वामी इंदर जी, सरकार हर तरीके से किसानों की मदद के लिए तत्पर है, तैयार है। अब किसानों को क्या लग रहा है, क्या क्या परेशानियां अभी किसानों के सामने आ रही है? कौन सी दवाई डाले किसान, कौन सा स्प्रे करे ये बता दीजिए आप, और आपने कितने लीटर स्प्रे इकट्ठी कर ली है? गुलिया जी देखिए मैंने तो स्प्रे का नाम बताया स्वामी जी, लेकिन मैंने तो स्प्रे का नाम भी बता दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये टेक्निकल टर्म है, ये वेरी करेगा फसल टू फसल, क्रॉप टू क्रॉप ये वेरी करेगा कि आपको अगर आप किस चीज की फसल है उसमें कितना डालना है तो वेरी करेगा। ये ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारी तैनात है सरकार की तरफ से, किसान जो कृषि अधिकारी तैनात है वो अपने ब्लॉक में जा जा करके किसानों को जानकारियां भी दे रहे हैं यानी कि आपके कहने का मतलब है कि किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। अतर सिंह जी, किसानों को जागरूक किया जा रहा है ऐसे? देखिए गुलिया जी अच्छी बात है, पूरे देश का किसान सरकार के ऊपर आस लगाए बैठा है और पूरे देश का किसान को विश्वास है कि भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार निश्चित रूप से किसान हितैषी है और किसान के हित में सोच रही है। लेकिन किसान की हालत इतनी खराब हो चुकी है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, ताकि किसान को थोड़ी तौर पर रिलीफ दी जा सके। अब मैं हम सरकार बार बार किसान बार बार मांग करता रहा भाई, जैसे कोरोना रिलीफ में किसान बाकी इंडस्ट्री को आपने फायदा पहुंचा, ऐसे आप किसानों के लिए भी फायदा पहुंचाइए। हमारी शुरू से मांग रही भी साहब पीएम किसान योजना जो आप 6,000 रुपए किसान को देते हो साल में, कम से कम उसकी लिमिट बढ़ाकर 24,000 करें और खासकर जो किसान का लोन चल रहा है उस पर 1 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री करवाएं। जो फसल बीमा योजना है कम से कम 1 साल के लिए उस पर जो फसल बीमा का जो उसकी जो कॉस्ट बैठती है 1 साल के लिए वो सरकार पे करे। तो ऐसी सरकार किसान की हित की बात करें, आप सब लोग किसान हैं, मैं भी चाहता हूँ सरकार के साथ मिल, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर ही कुछ किसान को मिल सकता है। पूरी तरह से प्रदेश का देश का किसान सरकार के साथ है, सरकार से उम्मीद करता है भी किसानों की हालत को देखते हुए, क्योंकि देश में किसान की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 82% किसान कर्जदार है, पूरे देश में ये हालात हैं। अब किसान को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, किसान का बच्चा नहीं चाहता मैं खेती करूं, ऐसी कोई स्कीम लेकर आए, ऐसी सब्सिडी किसान को दे ताकि किसान का बच्चा भी खेती करना चाहे, ताकि किसान अपने बच्चे को अपनी खेती की तरफ बता सके भी मैं ये फसलें बोता हूं। और जो इसमें एक चीज तो ये भी है रेणु जी कि जब किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर के सरकार विचार विमर्श करती है, कहती है कि ठीक है हमने एक डेडलाइन तय की है, अब उस रास्ते पर अगर हम किसानों की हर परेशानी को दूर करते चल रहे हैं तो अभी तक कितने कदम आगे बढ़ गए हैं? देखिए आप पिछले 6 सालों की हमारे साथ बात करेंगे तो आप कंपैरेटिवली पिछले वर्षों के इन 6 वर्षों में आप डिफरेंस अपने आप देखेंगे, चाहे किसानों से संबंधित स्कीम्स हो,
आप ये कहें कि किसानों की आमदन दुगनी होगी, तो एक रुपए के दो रुपए दे के ऐसे दुगनी नहीं होती है। उनके लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज की जाए, उनकी खेती के नए नए यंत्र और तरीके ढूंढे जाए, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज दी जाए, उनके क्षेत्रों में किसानों में कौन सी चीज की किस समय आवश्यकता है उसके ऊपर। रेणु जी, एक सवाल सवाल तो ये है ना कि मंडियों के अंदर जो है किसान जब खेती करता है तो नए इक्विपमेंट उसके पास नहीं होते हैं। राशन अपना अनाज लेकर के जब मंडियों में जाता है तो खुले में रखता है, बारिश आ जाती है तो पूरा अनाज भीग जाता है। तो ये सब अभी भी बुनियादी चीजें हैं जो कि जिनकी कमी खलती है। मैं गुलिया जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा। कटारा जी, इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो मेरी बहन बात कर रही है, माना है किसान जो है नए नए खेती कर रहा है, आमदनी जो है डबल करने की बात हो रही है, किसान तो पैदावार आपको दे रहा है पूरी की पूरी। बिल्कुल ठीक है कटारा जी। मेरी बहन जो 6 साल की बात कर रहे हैं कि आमदनी की बात कर रहे हैं, शायद आंकड़े या तो इन्होंने देखे नहीं या इनको पता नहीं है। 6 साल में किसान की हालत पहले से बदतर हो चुकी है, उसकी आय घट चुकी है, उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, किसान की आत्महत्या की दर बढ़ी है, किसान पहले से ज्यादा किसान पहले से ज्यादा कर्जदार हुआ है। किसान का आपने 1 रुपए भी कर्जा माफ नहीं किया। मुझे किसान के ऊपर आपने टैक्स लगाया है, आपने कृषि उपयोग यंत्रों पे GST 28% तक लगाई है और मर्सिडीज पर 5% है, डीजल पर आपने वैट लगाने का काम करा है। आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से किसान की बात कर रहे हैं? यूरिया को आपने थानों में बंटवाया है, आप कौन से किसान की बात कर रहे हैं? आप आंकड़े उठाइए। आपने 1 रुपए कर्जा माफ करा किसान का, किसान ज्यादा कर्जदार हुआ है, किसान के पास देने के लिए आज पैसे नहीं है, आज किसान ने ज्यादा आत्महत्या की दर आज बढ़ी है। हरियाणा के किसान ने कभी आत्महत्या नहीं करी, ये आपकी सरकार में हुआ है। आप कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? और जो इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो जबरदस्ती लादा गया है, और जितना इंश्योरेंस कंपनियों ने मुनाफा कमाया है उसका 5% भी किसानों को नहीं दिया। उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं कि आपका खेत इतना बड़ा है, आपके अंदर ये कमी पाई गई, आप पैरामीटर में नहीं आते। रेणु जी, अंदाजा ने आपसे मांगा क्या है? किसान ने सिर्फ आपको ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, सरकार ने कहा ठीक है हम उस तरीके से लागू करेंगे। ये मुझे बताइए, एक सपरासी के बच्चे को वॉशिंग अलाउंस मिलता है, उसको एजुकेशन अलाउंस मिलता है, किसान को क्या मिलता है? किसान की हालात बहुत खराब है देश में। जरा एक एक करके जरा जल्दी से जवाब भी ले लेते हैं रेणु जी। रेणु जी, ये जो किसानों की परेशानी है, किसान नेता भी मान रहे हैं और विपक्ष भी बार बार उठा रहा है, ये तो सरकार के लिए अच्छी बात है ना कि आपके सामने बता रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, कहां पर लूप होल है, उनको दुरुस्त कर लीजिए। शुभेंदु, इसी सरकार में किसानों के बच्चों के लिए नए टेक्निकल कॉलेजेस खोले गए, जो किसान के बच्चे खेती बाड़ी वाली टेक्निक नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो मैक्सिमम नई टेक्नोलॉजी से बेहतर सरकार में कौन सा कॉलेज खुल गया? कम स्थान में अधिक खेती कैसे हो उसके ऊपर नॉलेज। 6 साल में सरकार ने कौन सा कॉलेज खोला है जी? नए जमाने की टेक्नोलॉजी है, इसी सरकार ने अपना कर दी। 6 साल में कौन सा कॉलेज खोल दिया आप बता दो, किस जिले में खोला आपने? क्या फ्री एजुकेशन है क्या उसमें? किस जिले में खोला जरा बताएंगे आप? रेणु जी, माफ पिछली सरकार में आपने सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं, आप फिल्म सेंसर बोर्ड से भी कृषि देश में कई कृषि कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर किसानों के बच्चे हम प्रदेश की बात कर रहे हैं शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि वो अपने खेत में किस तरह हम से प्रदेश की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जरा जरा गुड़िया जी, गुड़िया जी रोटी शामिल करें, समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है। ठीक है गुड़िया जी, आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, कम से कम ये जो लोग विरोधी आरोप लगा रहे हैं, कम से कम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे आप लोगों की तरह किसानों की जमीन को बेचने का काम तो नहीं करा, उसमें दलाली खाने का काम तो नहीं करा? और स्वामीनाथन तो एक साल भी नहीं हुए सर, आपको डाला आ गया आपका, इसको फेजेस में लागू करा जाना चाहिए था, जो कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई, उसके लिए प्रयासरत है। ये जितनी पूर्ण रूप से लागू होगी किसानों को फायदा होगा, ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसमें और समय लगेगा भी, जितनी भी और समय लगेगा गुलिया जी, सरकार भी थी, इसको फेजेस में लागू किया,
ठीक है, ठीक है, यानी कि किसानों को आश्वस्त होने की जरूरत, ठीक है, 2007 से लेके बुनियादी प्रयासरत हैं बुलिया जी, 2007 से लेके 2020 तक 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसानों के हित में ना मिलने के कारण 28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। चलिए ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही सवाल हैं, लेकिन लेकिन फिलहाल सरकार ये कह रही है कि आश्वस्त आपको होना पड़ेगा, भरोसा रखिए सरकार आपके साथ है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, क्योंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। लेकिन टिड्डी दल को लेकर के अलर्ट फिलहाल हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के सरकार की तैयारियां क्या है, ये खैर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा, साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।